एक बार अकबर ने हंसी उड़ाते हुए, सनातन धर्म की हंसी उड़ाते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल क्या बात है भाई, तुम्हारे भगवान को कोई नौकर चाकर नहीं है क्या? उनके पास कोई सेवक, कोई मंत्री संतरी है कि नहीं है? बोले क्यों, ऐसा क्यों कहते हैं? बहुत है। अरे जब देखो तब स्वयं चले आते हैं, कभी कछुआ बन जाते हैं, कभी वराह बन जाते हैं, है? कभी वो नृसिंह बन जाते हैं, कभी मछली बन जाते हैं, कभी स्त्री बन जाते हैं, है? किसी को संकट पड़ा खुद ही दौड़े चले आते हैं, किसी को भेज के भी तो काम करा सकते हैं। बीरबल ने कहा मैं इसका उत्तर आपको दो दिन के बाद देता हूं, ठीक है? दो दिन के बाद अकबर बादशाह अपने मंत्रियों के साथ में बैठे हुए थे, अपराह्न काल था, और ठीक उसी टाइम में उनका एक सेवक, अंतरंग सेवक, उनके बच्चे को पालने में घुमाते हुए ऐसे कि उधर से रोज गुजरता था और सामने वाले पार्क में घुमाता था, उससे सेटिंग कर ली बीरबल ने कि देख भाई कल तुम्हें ये जो शाहजहां है, अकबर बादशाह का पुत्र, जो पुत्र है, आप इस पुत्र की जगह में मोम के पुतले का प्रयोग करो, मोम का वैसे ही पुतला बना देंगे, आप ठीक जिस समय में बादशाह अपने मंत्रियों के साथ बैठे होंगे आप उधर से लेकर गुजरना और सामने घुमाना पार्क में जो सरोवर है, अब घुमाते घुमाते देखना जब खिलखिला के हंस रहे हो किसी बात में, भूले मिले हो, उसी टाइम में छपाक से पानी में फेंक देना बालक को, खुद भी बचाओ बचाओ चिल्ला देना दो चार बार, फिर देखना क्या। बोले महाराज हमको तो ये खत्म कर देंगे बादशाह, बोले हम बचा लेंगे, पुरस्कार मिलेगा। अच्छा महाराज, मोम का पुतला बनाया, वैसे ही कपड़ा पहना दिया और एक झूला गाड़ी में बैठा करके उसको घुमाते हुए उधर से ही गुजरा, और सब बैठे थे, पान वान चल रहा था, खार बातचीत कर रहे थे, सामने जाकर के पार्क में घुमाने लगा, वो देख रहा था किसी प्रसंग बस अकबर बादशाह खिलखिला के हंसे, तभी उसने मौका देखा और छपाक से पानी में फेंका ताकि आवाज हो, अब बोले बचाइए बचाइए बचाइए, जब उसने कहा तो अकबर ने आओ देखा ना ताओ सीधे दौड़ गए, दौड़े और दौड़कर सीधे जाकर पानी में कूदे, कूद कर वो जो सेवक था बाहर से कहते बचाओ बचाओ बचाओ, राजा कूदे, अकबर ने अपने पुत्र को उठाया बाहर लेकर आए तो देखा कि तो पुतला है, ये तो बेटा है ही नहीं, उसको फेंक दिया, बड़ा क्रोध आया, ये क्या तमाशा है, ऐसा मजाक करता है, तलवार निकाल लिया तुझे खत्म कर दूंगा, तू जानता नहीं मुझे कैसे डरा दिया। बीरबल ने कहा कि महाराज क्षमा करें, आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा था। बोले क्या उत्तर है? यही आपने पूछा था कि तुम्हारे भगवान के पास कोई नौकर चाकर है कि नहीं, कोई मंत्री संतरी है कि नहीं? बोले हाँ यही पूछा था, तो आपको उत्तर दे रहा हूं। क्या उत्तर है? कि आप अभी वहां बैठे थे सभा में, 40-50 मंत्री आपके बैठे थे, हाँ हम सब आपके नौकर चाकर। बोले हाँ, एक वचन पे प्राण दे सकते हैं आपके लिए, हाँ, लेकिन इस छोटे से पुतले के लिए आप महाराज दौड़े नंगे पांव, आओ न देखा ताओ देखा सीधे दौड़ गए, किसी से कहे होते, हमसे कहे होते, किसी से कहा क्यों नहीं, स्वयं क्यों दौड़े आए? बोले बीरबल तुम कब समझदार हो गए, मैं पुतले के लिए थोड़ी दौड़ा, मैं तो अपने बेटे के लिए दौड़ा कि मेरा बेटा गिर गया है इसलिए दौड़ा। बोले यही उत्तर है कि जितने भगवान के भक्त हैं ये नौकर चाकर नहीं है, ये भगवान के बेटे हैं, और भगवान अपने पुत्र को बचाने के लिए किसी का भरोसा नहीं करते, स्वयं दौड़े आते हैं। भगवान अपने भक्त को अपना पुत्र मानते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।